give you the answers of all these questions. If मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया था. यहाँ पे आके एक बार को भगवान मिल जाएंगे तुम्हें, बट पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. It's not facial hair removal treatment, it's facial hair reduction treatment. Hello ji, hi ji, what's up ji? I am very good. I hope you are also good ji. क्या बोल रही हूँ मैं, हम पक्के बॉक ला गई हूँ. But yes, I've started a vlog. It's 18th December today, guys, and another Saturday morning. I am already ready to go for my facial hair reduction sitting. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी. मैंने एक और वीडियो क्रिएट की थी जब मेरी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सिटिंग थी. सो अब आज फोर्थ या फिफ्थ सिटिंग है शायद. सो आई एम गोइंग फॉर दैट एंड आई एम गोना टॉक अबाउट इट इन डिटेल टुडे कि मैंने ये क्यों फेशियल हेयर रिडक्शन शुरू करवाया, क्या कॉस्ट है, क्या मुझे बेनिफिट हो रहा है नहीं, क्योंकि मेरे चार या पाँच सिटिंग्स अब हो गए हैं. वॉट इज द डिफरेंस दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ, तो वो सब बातें हम करेंगे. लेकिन अभी के लिए लेट हो गए हैं, 11:15 ऑलरेडी हुए हैं और मेरी कुछ 11:30, 11:45 की अपॉइंटमेंट थी. सो आई हैव टू रीच देयर ASAP. आई नो इट्स ऑलरेडी लेट, बट जितनी जल्दी हो सके हम वहाँ पहुँचेंगे. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ व्लॉग, बट अभी के लिए निकलते हैं. आई विल सी यू गाइस राइट देयर. ऑलराइट जी, ऑल सेट टू गो. अभी हम निकल रहे हैं, लेट्स रीच देयर एज सून एज पॉसिबल. मैं काफी लेट हो गई हूँ, इस टाइम तक मुझे वहां पे पहुंच जाना चाहिए था. बट एनीवेज, लेट्स जस्ट रीच देयर. लास्ट टाइम तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया था शूट करने का. आई विल हैव टू री आस्क देम दिस टाइम इफ दे अलाउ मी आई विल कंटिन्यू व्लॉग. अगर ये व्लॉग आ गया और आप देख रहे हो तो दैट मीन्स ये व्लॉग का परमिशन मिल गया है. सो लेट्स क्विकली गो. अभी फाइनली रीच. यहाँ पे आके एक बार को भगवान मिल जाएंगे तुम्हें, बट पार्किंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बट एनीवेज, आई हैव रीच्ड हियर नॉट ऑन टाइम. आई एम डेफिनेटली लेट. अभी अंदर भागते हैं. थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ, फॉर दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, येस आई एम अंडरगोइंग फेशियल हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट. ये मेरा कुछ फोर्थ फिफ्थ सिटिंग है और बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं इसकी. यू कैन शेव इट ऑफ, यू कैन गेट द वैक्सिंग डन, और आप यू नो हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज कर सकते हो, एंड लेजर हेयर रिडक्शन इज ऑल्सो वन सॉल्यूशन. आई ऑप्टेड फॉर दिस क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है और वैक्सिंग और शेविंग जैसे हार्श यू नो सॉल्यूशंस डजंट गो ऑन माय स्किन. आई फेस एक्ने इश्यू. आई डिड टेक पंगा वंस ऑफ वैक्सिंग और उसके बाद आई जस्ट हैड अ हार्ड टाइम एंड आई मीन रियलाइज दिस शुडंट बी रिपीटेड. फिर मैंने कंसल्ट किया एक डर्मेट को. देर इज वन रिप्यूटेड डर्मेटोलॉजिस्ट हू हैज अ क्लिनिक इन सुपर मार्ट वन इन गुड़गांव. तो उन्हीं के पास मैं अपना एक्ने के लिए भी और अपने फेशियल हेयर के लिए भी ट्रीटमेंट यहीं से ले रही हूँ. सो या दिस इज द स्टोरी. अब इसका क्या कॉस्ट है एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू गाइज. अभी के लिए अंदर चलते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेट. ऐसे ना हो कि यहाँ पहुंच के भी जिन डॉक्टर से मैं कराती हूँ वो मुझे मिले नहीं. सो लेट्स क्विकली गो इन, उसके बाद बात करते हैं. स्टेप इन्होंने मार्किंग कर दिया ऑफ द एरियाज जहां पे मुझे ट्रीटमेंट कराना है. एंड फर्स्टली दे विल रिमूव द हेयर विद दे रिमूव द हेयर विद द हेल्प ऑफ अ रेजर. अब यहां पे कूलिंग जेल लगेगा एंड देन द प्रोसीजर विल स्टार्ट. Thank you.
डन नाउ आई थॉट कि मैं आई हूँ तो कॉमेडॉन रिमूवल भी करा लेती हूँ. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सैलॉन्स उससे बेटर है कि मैं यहीं आती हूँ और बहुत ही सफाई से और अच्छे तरीके से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं बिना कोई क्रेम्स लगाए और बिना कोई आर्टिफिशियल चीजें जिससे मेरे एक्ने वैक्ने निकले. तो या आई मीन इट्स अ क्लीन एंड अ गुड मेथड. सो आई थॉट मैं वो भी करा ही देती हूँ और वो शुरू होने वाला है. मैं अपना सेशन वेशन करा के सब आ गई थी बट देन आई जस्ट स्लेप्ट थोड़ी देर एंड थोड़ा सा मैं अपना और काम निपटा रही थी. बट देन नाउ आई थॉट बिफोर आई एंड दिस व्लॉग आई प्रॉमिस्ड यू गाइस दैट आई विल लेट यू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट लेजर हेयर रिमूवल और क्या कॉस्ट पड़ता है, कितना मुझे फर्क पड़ा है, अभी तक नहीं पड़ा, कितनी मेरी सिटिंग्स हो गई हैं, व्हाई एट द फर्स्ट प्लेस डिड आई स्टार्ट गेटिंग फेशियल हेयर लेजर फेशियल हेयर रिडक्शन थ्रू लेजर ट्रीटमेंट और भी क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस एज आई सेड. तो लेट मी गिव यू द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इफ यू आर समबडी लुकिंग फॉर सिमिलर काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन. आई ऑल्सो हैड एन इशू ऑफ ओवर हेयर ग्रोथ. कुछ बहुत ज्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं है मेरे फेस पे बट देन स्टिल आई हैव द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट आई हैव इज डिस्टर्बिंग टू द आईज टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मतलब फिर भी है जो कि नॉर्मल वैक्सिंग और नॉर्मल शेविंग प्रोसीजर से भी बहुत आराम से ये टैकल हो सकता है. लेकिन एज आई सेड मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं किया था. इट एक्चुअली क्रिएटेड एक्ने एंड ब्लैक हेड इशूज ऑन माई फेस और उसके बाद से मैंने कसम खा ली थी कि मुझे ये सब पंगे दोबारा नहीं लेने. मैंने बहुत टाइम लिया, बहुत सालों तक कुछ नहीं कराया. स्टार्टेड यूजिंग रेजर, फेशियल रेजर्स भी आते हैं बाय द वे. लेकिन अगर आपकी बहुत से ज़्यादा हार्ड फेशियल ग्रोथ आती है एंड यू फील कि रेजर्स से या कोई भी और टेम्प्ररी मेथड से वो टैकल नहीं हो सकती, यू नीड अ लेजर ट्रीटमेंट, उसके लिए आप लेजर करा सकते हो. मैंने प्रॉपर डर्मेट से कंसल्ट करके ये ट्रीटमेंट शुरू कराया था एंड दिस वॉज माई फिफ्थ सिटिंग. मैंने अभी अपना गार्ड चेक किया, ये मेरी फिफ्थ सिटिंग थी और मुझे डेफिनेटली फर्क पड़ा है. फर्क कैसे पड़ा है, किस चीज में पड़ा है? एक तो मेरी हेयर ग्रोथ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट फेशियल हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, इट्स फेशियल हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट. कोई भी किसी भी तरह का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स व्हाट माय डॉक्टर टोल्ड मी. बिकॉज इट्स अ, अगर आप ये सोच के चल रहे हो और ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो कि ये 100% खत्म कर देगा आपकी प्रॉब्लम को, नो, इट्स अ रिडक्शन ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. और डेफिनेटली रिडक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ द हेयर ग्रोथ, वन. सेकेंडली हार्ड ग्रोथ नहीं आती बिल्कुल भी. द हेयर हैज गॉटन सॉफ्टर और वो अब मैं कुछ 2 महीने में एक बार ये अपना ट्रीटमेंट लेती हूँ. वैसे मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको 4 to 6 weeks में मेरे पास आना है. सो क्या होता है इसमें कि जब मैं ये ट्रीटमेंट करा के आई हूँ तो इसके बाद अब एक बार ग्रोथ आएगी एंड इट विल शेड ऑफ बाय इटसेल्फ. ग्रोथ आके खुद ब खुद बाल मेरे जो फेस पे थोड़े थोड़े आते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं. एंड देन व्हेन द सेकंड ग्रोथ कम्स देन इज व्हेन आई हैव टू गो बैक एंड गेट द लेजर हेयर लेजर ट्रीटमेंट डन. तो ये ऐसी सिटिंग्स होती हैं. लेकिन ऑलरेडी मुझे आई थिंक आफ्टर 2 months ही जरूरत पड़ती है उसकी. तो दैट्स वन थिंग. सेकेंडली बात आती है कॉस्ट की. नाउ आई गेट अ लोअर फेस डन. स्टार्ट मैंने कराया था साइड लॉक से एंड चिन एरिया से बट नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द लोअर फेस डन. लोअर फेस में मेरे अपर लिप्स भी आ जाते हैं, चिन एरिया आ जाता है, साइड लॉक्स आ जाते हैं. ये पूरा मेरा 3,000 rupees पड़ता है पर सिटिंग. सिर्फ साइड लॉक्स और चिन मुझे 2,000 पड़ता था. सो आई एम पेइंग 1,000 मोर नाउ विच कवर्स entire lower face of mine including upper lips, including lower lips, chin, side locks, everything. And it's a safe treatment. मुझे उसके बाद किसी भी तरह की redness नहीं आती, किसी भी तरह का कोई acne या blackhead, whitehead या boils for that matter, redness कुछ भी feel नहीं होता. So it has turned out to be the safest possible solution for my problem. But you guys have to analyze your problem, see your doctor, consult and then do it. आप कोई भी videos या vlogs देख के please अपने decisions इन सब चीजों को लेके मत करना. Face की बात होती है तो face की बात है. So consult a proper doctor, consult a proper dermat if it is related to a skin or a hair issue, जो भी है.
तो ये तो थी मेरी स्टोरी. कॉस्ट की बात मैंने आपको बता दी. डेफिनेटली बेनिफिट्स हैं कि शेव और रेजर से बेसिकली आपको जो हार्ड ग्रोथ वाली चीज है, वैसे कहते हैं कि ये मिथ है क्योंकि वो ऊपर का सर्फेस हेयर कट करता है सिर्फ, तो इसीलिए जब वो नीचे की ग्रोथ आती है वो पॉइंटेड दिखती है. डजेंट मीन कि वो आपकी हेयर ग्रोथ हार्ड करता है, बट स्टिल मुझे वो वाला इशू भी नहीं फील होता इससे. और किसी भी तरह के कट्स पड़ने का डर नहीं है, किसी भी तरह के रैशेज या स्किन ब्लैक होने का या किसी भी तरह की स्किन को हार्म नहीं है इससे. दैट्स व्हाट माय डॉक्टर सेज. और अभी तक मुझे ऐसे कोई वो वाली प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं हुई है. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट फेस का. सो या गाइस, विद दिस आई एम गोना एंड माय व्लॉग. आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एज वेल. आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव इनफ फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर सिमिलर काइंड ऑफ अ सोल्यूशन. एंड या, दिस वॉज माई फिफ्थ सिटिंग एंड I have to take another 4 to 5 more sittings to see more visible results. And उसके बाद as per my doctor, मुझे कुछ 5-6 months में एक बार maintain करना पड़ेगा इसको, बस that's it. So yeah, that was it guys. I hope you liked the vlog. I hope you have liked my previous vlogs as well. Do share, comment and like. And subscribe नहीं किया तो please कर देना, अगर कर दिया है तो. Thank you so very much. Very, very grateful for that. And I'll see you guys super soon in my next video. Till then, bye-bye. Take care of yourselves, guys. Bye.